घर ऐसा होता, अगर सबके पास रहने के लिए घर होता तो कोई फुटपाथ पर ना सोता, कोई झुग्गी झोपड़ी में ना रहता। ये जो लोग रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ियों का शहर बसा लेते हैं ना, ये सब नहीं होता। कितनी असमानता है हमारे देश में, किसी के पास तो 500 फीट जमीन भी नहीं है रहने के लिए और कोई हजारों मीटर के बंगले में रहता है। दिल्ली के NDMC एरिया को ही देख लो, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, ऐसा लगता है कि मानो हर नेम प्लेट के पीछे पूरा शहर बसा हो। कितने कमरे होते होंगे इन बंगलों में और कैसे सोते होंगे वो लोग, सर एक कमरे में तो पैर दूसरे कमरे में। खुद का गार्डन होगा मॉर्निंग वॉक के लिए और कामकाज के लिए नौकरों की फौज। कैसा लोकतंत्र है ये, राजतंत्र ही तो है, लोकतंत्र का मुखौटा पहने। लेकिन अगर सचमुच लोकतंत्र हो जाए तो सबको रहने के लिए घर मिल जाए, सबको बराबर जमीन मिले, कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाएगा। अगर ऐसा होता